लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। यूआईडीएआई ने बैंकों से आधार भुगतान प्रणाली बंद नहीं करने को कहा। भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ने की सूचना आंध्र सरकार ने लीक की सीबीआई। पीएम मोदी बोले योग भारत और अर्जेंटीना को जोड़ रहा है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई ने बैंकों से आधार सक्षम भुगतान प्रणाली AEPS बंद नहीं करने को कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि यह कल्याणकारी लाभों के अंतरण में बाधा पैदा कर सकता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने आंध्र प्रदेश सरकार पर कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाने की गोपनीय सूचना लीक करने का शुक्रवार को आरोप लगाया। CBI ने कहा कि इस वजह से केवल एक व्यक्ति पकड़ में आया जबकि अन्य फरार हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि योग अर्जेंटीना और भारत के बीच विशाल दूरी को मिटा रहा है और दोनों देशों के लोगों को जोड़ रहा है। एक योग कार्यक्रम में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि योग स्वास्थ्य और शांति के लिए भारत की ओर से दुनिया को तोहफा है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS दिल्ली की खबरें देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।